गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ, पिछले वीडियो में हम मशीन लैंग्वेज पढ़ रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के फ़ायदे, मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके तेज़ और कुशल बनता है। एज द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम डायरेक्टली, नो फुथर ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को मशीन आसानी से और सीधे ही समझ लेती है, उसे किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। एक मशीन लैंग्वेज की कमियां। राइटिंग प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ वन एंड जीरो टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसा कि हमने मशीन लैंग्वेज में पढ़ा था, मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट वन और जीरो की फॉर्म में जो है प्रोग्राम को लिखती है, तो ये जो जीरो और वन की फॉर्म में लिखा गया प्रोग्राम बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम में जो है ये होता है, और ये इसे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, और मशीन लैंग्वेज जो है मशीन पर डिपेंड होती है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एरर्स, और इसमें जो है गलतियों को ढूंढना भी बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है। ये थे मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। मशीन लैंग्वेज की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी, बनी थी। असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज़ ए लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स कॉल्ड निनोमिक कोड्स इंस्टेड ऑफ जीरो एंड वन। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट जीरो एंड वन की फॉर्म में प्रोग्राम को लिखा जाता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जीरो एंड वन के जगह प्रोग्राम जो है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, जिसे निनोमिक कोड्स भी कहते हैं, उसकी फॉर्म में जो है प्रोग्राम लिखा जाता है। निनोमिक कोड्स की फॉर्म में प्रोग्राम को लिखा जाता है। विद एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर राइट्स एब्रीविएशंस सच एज एड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मूव फॉर ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। साथ ही असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म लिखता है, जैसे कि एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, और ट्रांसफ़र के लिए जो है मूव लिखता है। डेस्पिट दीज फीचर्स असेंबली लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। इतने फीचर्स होने के बाद भी असेंबली लैंग्वेज को सीखना कठिन था, डिफ़िकल्ट था। इन एडिशन, एज यू नो दैट द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ये हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। द इंस्ट्रक्शन कोड्स राइटिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बाय ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज में जो है इंस्ट्रक्शंस कोड्स को, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ होता था, जिसे असेंबलर कहते हैं। एन असेंबलर इज़ ए प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। एक असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग
असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है, जिससे कि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि जैसे असेंबली लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसको हमने इनपुट किया असेंबलर प्रोग्राम में। असेंबलर एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमने इनपुट डाल दिया, फिर असेंबलर जो है उसको मशीन लैंग्वेज में, हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे: ईजियर टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की तुलना में इसका उपयोग करना और इसे समझना आसान होता है। मॉडिफिकेशंस इन द प्रोग्राम आर ईजी एज कम्पेयर्ड टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में इनमें परिवर्तन करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की कमियां: लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज़ आल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज की तरह ही यह असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है, मशीन पर निर्भर होती है। असेंबलर प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसे एक असेंबलर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। क्लास फिफ्थ, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको जो हमने आज लेसन पढ़ा है ये रीड करना है और कंप्यूटर की नोटबुक में असेंबलर की डेफिनेशन यानी असेंबलर की परिभाषा आपको लिखनी है।